मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड चरनी पाड़ा जो पापा का नाका है, इस रास्ते पर एक खुला हुआ गटर राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। ये वीडियो हमें एक जागरूक नागरिक ने भेजा है और बताया कि आए दिन ये खुले हुए गटर में हादसे हो रहे हैं। अक्सर इस वजह से गाड़ियां इसमें जाकर फंस जाती हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद इन गाड़ियों को बाहर निकाला जाता है। अक्सर इसमें बुज़ुर्ग और बच्चे भी गिरकर घायल होते हैं, मगर इसके बावजूद भी इसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। इस रास्ते पर एक बिजली का खंभा भी था, उसे ऊपर से ही काट दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों के टायर इसमें लगकर फट जा रहे हैं और पैदल आने जाने वाले लोगों को भी इससे चोट लगती है। मगर कोई भी स्थानीय नेता इसकी सुध-बुध नहीं ले रहा है, ना ही इस खुले हुए गटर को दुरुस्त कराया जा रहा है और ना ही इस बिजली के खंभे को वहां से निकलवाया जा रहा है। आए दिन इस वजह से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और इसके वजह से लोग घायल भी हो रहे हैं। इस जागरूक नागरिक ने जो वीडियो भेजी है और ऑडियो भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। भाई हटो इधर, ये हमेशा ही फंसती है ना यहाँ गाड़ी, कोई बंद ही नहीं करता। ये खंभे का भी डाल भाई, ये चरनी पाड़े की वीडियो है, पापा का नाका। यहाँ पे रोड खुला हुआ है तकरीबन 2-3-4 साल से, कोई आके करता नहीं है उसको कुछ। उसमें रोज गाड़ी फंसती है, यहाँ पे कोई बुढ़ा इंसान भी गिर जाता है, कभी साइकिल वाला बच्चा गिर जाता है, कभी कार फंस जाती है, कभी ऑटो। और एक जो खंभा है उसमें लास्ट में जो बनाया मैंने, और टूरेंट वालों ने अधूरा उसको खंभे को काटा, रोड के ऊपर ही है। जब भी गाड़ी गुजरती है तो टायर फटता है उसपे, और केबल भी रोड पे ही है उसका, टूरेंट का। प्लीज इसका कुछ करो भाई।